रखे तो फिर देर किस बात की है। शुरू करते हैं ये रेस। बाइक मेरा जुनून है बेबी। और भैया टोनी, तीन तक गिनूंगा, तीन गिनते निकल लेना चुपचाप। अरे समीर सही कारण भैया। अरे तुमने कह दिया तो निकल लेंगे ना, तो शुरू कर दूं? हाँ? एक इंग्लिश में गिनो। ठीक है टोनी भैया, इंग्लिश में गिन लेता हूँ। वन अरे छोरी भी घनी चौकी चला रही भाई। भाई हमें ना लग रहा अब टोनी जीतेगा। तो क्या कह रहे हो? हैं हाँ और टोनी और जीतने वाला समीर। अरे समीर, अरे भैया ये तो कमाल हो गो, धोती को फाड़ कर वहां लोगो। अरे बेबी जीत गई रेस। तो अब क्या कहते हो? वाओ स्वीट बेबी, आज तक टोनी को किसी ने बाइक रेस में नहीं हराया, पर तुमने कर दिखाया। बाइक मेरा जुनून है। बेबी एक बात बताऊं, थारे जीतने के बाद है ना मारो ग्रुप और भी रॉकिंग हो जागो। तो इसका मतलब अब मैं तुम लोगों के ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अब तुम हम लोगों के खंजर ग्रुप में शामिल हो गई हो। बस बेब, कल तुम्हें हमारे साथ चलकर खंजर वाला टैटू बनाना पड़ेगा ऐसा। उसके हाथ में एक टैटू था, खंजर छपा हुआ था। ओ, खंजर वाला टैटू, ठीक है। हे बेब, अबे अबे मैं छुड़ाने, एक दिन हमारी जान लेकर रहेगी। ना कोई अता ना पता बोलकर गई थी, बजरंग बली जी बोलकर गई थी बाइकर गैंग में शामिल होने जा रही है। फोन भी बंद आ रहा है, फोन भी ना कर रही है हमें। गलत बात है कि नहीं गलत बात है ये? हम कसम ले लेते हैं बजरंग बली, जब तक मिस चौटाला हमारे पास यहाँ नहीं आएगी ना, तो हम जमीन पर पैर ना रखेंगे। ऐसे यूं ही पूरे दिन बैठे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, कुछ ना करेंगे, कुछ 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 कुछ। सर, सन्यास बन्यास ले लिया सर आपने? मिस चौटाला अब आ गई, अब आ गई मिस चौटाला। थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू। लेकिन हमसे बात क्यों कर रहे हैं? हम आपसे बात ही ना करेंगे।
अबे आप बोल कर गई थी बाइकर गैंग में शामिल होने जा रही, कुछ तो होना चाहिए ना, फोन वोन करना चाहिए ना, हम टेंशन के मारे हमारी जान चली गई थी। देखिए सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, कितने डुबले पतले हो गए, वेट लॉस हो गया हमारा बिल्कुल। डुबले? यस सर। सर डुबले होना आजकल जो है उसमें है, फैशन में है। करीना कपूर कह रही सर जीरो साइज। वैसे मारी क्यों आपको इतनी चिंता हो रही थी? अभी क्यों, हम आपसे प्यारे। अबे प्यारे मुंह क्या देख रहा है हमारा, चाय लेकर मैडम के लिए जल्दी। सर बताइए मिश्रा हुआ क्या, केस में क्या हुआ तो बताइए। सर मैं वो बाइकर गैंग में शामिल तो हो गई हूँ और मैंने घुमा फिरा के उनसे ब्रीफकेस की जानकारी भी हासिल करने की बहुत कोशिश करी, पर कुछ बात बनी नहीं सर, कुछ पता नहीं चला ना। तो फिर करना क्या है? सर एक जगह है जहाँ पे वो चारों ना एकत्रित होते हैं, मटरगस्ती करते हैं, मतलब हैंग आउट प्लेस है उनका, वहाँ जो है ना सर आप पुलिस की रेड मार दीजिए। मैं यो देखना चाहती हूँ कि पुलिस का सामना जो है ना, पुलिस की रेड का कौन हिम्मत से कराया उन चारों में से, क्योंकि चौकी जलाना ना कोई मामूली बात ना है, किसी हिम्मत वाले जितेंद्र का काम है यो। वो सब ठीक है मैं छुड़ाला, लेकिन रेड ऐसे कैसे मार ले, रेड की वजह भी होनी चाहिए ना। साहब बिल्कुल जो है ना पुलिस वाले हो गए एकदम डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे और ये और वो। अरे पुलिस को कोई काम करने के लिए रीजन चाहिए हो गए। तो ठीक है मिस चौटाला, इंडियन पुलिस जाएगी रेड मारेगी, ये समझिए आपका रेड हो गया। और बाय द वे सर उसका नाम प्यारे नहीं है, संतोष है सर। हमें प्यारा लगता है वो, हम प्यार से उसे प्यारा बोलते हैं, क्यूट है वो। आई थिंक यू मेंट टू से प्यार, बट ठीक है आजकल पीपल आर लूजर्स वीकलिंग्स। हम कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा, पुलिस आ चुकी है, कानून खड़ा है यहाँ पर, समझे बहन जी? आप घर जाइए आप। वाओ 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 वाओ। अबे मूछ भाई, भाई साहब हो तुम? वेल इस कैफे में चल रहा है गैर कानूनी धंधा, इज्जत पुलिस वालों को समझ रखा क्या, अंधा इज्जत। चलो बे अपनी अपनी तलाशी दो। सर इन चारों को मैंने अक्सर यहाँ आते जाते देखा है, बल्कि ये तो यहीं पड़े रहते हैं, इनका जरूर उन कामों में अपना हाथ होगा। खत्म हो गया तुम चारों का खेल, अब तुम चारों जाओगे जेल। लेकिन सर हमने किया क्या है, बाइक मेरा जुनून है। अरे सर जी हमें तो जे भी ना पतो कि नहा पे कोई गैर कानूनी धंधो हो रहा है। सर कुछ ले देंगे कुछ। शट अप। मैं हूँ बहुत ईमानदार इज्जा, नंबर वन हूँ हवलदार इज्जा। चलो गाड़ी में बिठाओ इन सबको, जेल लेके चलो चलो चलो। अरे सर मेरा यकीन कीजिए, हम सब लोग बेगुनाह हैं, वी आर इनोसेंट, बाइक मेरा जुनून है। क्या करे यार गोपी, ये तो भूला। क्या हो गया वैसे? नहीं नमक है, अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज के भूखे भेड़े के सामने रोने गड़गड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस नहीं। मेरा बेटा करेगा तुम्हारी बेटी से शादी। बेटा पप्पू बैठ मंडप चल। व्हाट रबिश, हु इज पप्पू? बदतमीज, अपने बाप से सवाल लड़ा रहा तू, बोला तेरे को मंडप पे बैठ, तो मंडप पे बैठ चल बैठ। कुछ हुआ था क्या? अबे बुलक्कड़ बुला, वो कान छोड़ हाथ में आ जाएगा तेरे। गोपी ओके बेबी। चार थे, चार में से तीन बेहोश हो गए और एक तो ऐसा कांप रहा है जैसे पता नहीं। इन चारों में से कोई नहीं हो सकता है बे, मतलब जिसे हम ढूंढ रहे वो कोई और है। लो जी गरम गरम भजिए खाइए आप। गरम है सब। थैंक यू सर। क्या यार जीजू यार, ओ बिल्लू। अरे क्या हुआ, क्या भजिया है क्या भजिया?
इतनी मिर्ची डाल दी है, मैंने बोला था मैं से मिर्ची खाते नहीं बनती है, भर भर की मिर्ची डाल दी इसमें। अरे तो रख दे नीचे, रख दे। दीदी घर से निकाल दो इनको। चुप रह तू, मैं नहीं पढ़ रही हूँ ना इनसे। ए जी ऐसा है, तुम्हारे कान पे जूनी लगती, मैं एक बार कहती हूँ। पता है मैंने ने कल कहा कि दाल में नमक जो है सही सलामत डालियो, देख दाख के इन्होंने इतना झोंक दिया मेरा बीपी हाई हो गया। अरे चुप कर, मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। ऐसा है, कमिश्नर हो गए तुम अपने दफ्तर में, ये मेरा घर है और अपने घर में मैं प्राइम मिनिस्टर हो रही हूँ। जो मैं कहूंगी सबको सुनना पड़ेगा, आई समझ में? बड़बड़ बड़बड़ खाई जा रही है। दो पैसे की इज्जत नहीं साथ में की घर में। वेल सर, मत लीजिए बीवी से पंगा इज्जत, वरना घर में हो जाएगा दंगा इज्जत। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे, दो पैसे की इज्जत नहीं है मेरी। हाँ सुन लिया। अब अपना भाभी जी, मैं क्या कह रही थी कि वो जो आपने चाय बनाई थी ना, मतलब कुछ टाइम पहले, इतनी मैं वैसे पूरी दुनिया घूमी हूँ पर इतनी फर्स्ट क्लास चाय मैंने लाइफ में कभी ना पी। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर एक प्याली मिल जाती तो। हाँ क्यों नहीं, देखा मेरी चाय पी के लोग सामने से ऑफर करें कि भैया और पिला दो। तुम कुछ सीखो मुझसे, चल बिल्लू आ, अदरक वाली चाय बनाई थी तू, अदरक कूटियो बनाई। जाओ ना फालतू बैठे। अरे चल 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 जा जा, बुला रही है तेरे, जा। बहन भाई ने मिलके मेरा जीना हराम कर रखा। कर्मों का फल होता है। चुप हो जाओ यहाँ पे यार। सर के हिसाब से तो वो जो चार लड़के हैं उनमें से तो कोई इतनी हिम्मत ना कर सके कि चौकी ढा दे। हाय हाय। पर चौकी तो फिर भी जलाई गई है, किसने किया है यो काम? पूरे मीडिया का प्रेशर मेरे ऊपर है। बाय द वे मैं एक बात बता दूं कि सरकार ने एक चौकी बनाई थी वो जो हमें अलॉट कर रहे हैं। वाला, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। सर वहाँ चौकी में एसी है क्योंकि मैं गर्मी बहुत महसूस करता हूँ। I am so hot. चुप कर। सॉरी। सर। फिकर मत कर, नया चौकी ना फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है वहाँ पर। सवाई तुम्हारी कुर्सी क्या? और हम कल ही वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि चौकी का काम यहाँ से खत्म हो बस। जब तक मैं इस मुजरिम को पकड़ ना लूँ मैं चैन से ना बैठूंगी। नहीं सर, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं अपनी चौकी को जलाने वाले ने पकड़ ना लूँ, नई चौकी में मैं कदम ना रखूंगी। आपने अगर कसम खाई मैं चौटाला तो हम भी भजिए खा रहे। हमारा मतलब हम भी कसम खा ले तो उसमें क्या है, गोभी क्या है? चौटाला आप जब तक नहीं जाएंगे हम भी ना जाएंगे नए चौकी में। केस पे ध्यान देते मैं छोड़ाला, फिर वो क्या है ना, हम वो टैटू वाले के पीछे पड़े, कब से टैटू 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 कर रहे हैं। वो ब्रीफ केस के हैंडल के बारे में हमने तो सोचा ही नहीं कुछ। अरे हाँ, वो ब्रीफ केस का हैंडल, हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। काम करते मैं छोड़ाला, हम यहाँ के सीनियर ब्रीफ केस वाले के पास जाते और इंक्वायरी करते, ठीक है? हो जाएगा मैं छोड़ा, फिक्र ना करिए। कोई है? कोई है? तो भी कोई है भाई? ये साहब क्या चाहिए आपको? ऐसा संदूक लेंगे, अटैची लेंगे, हैंडबैग लेंगे, यहाँ सब कुछ मिलता है। ताले की चाबी मेरे पास है। well... बोल दे। नहीं प्लीज आप बोले। well... मैं बोलूं सर? समय Well, इसे पहले ले ले हम कोई एक्शन इज्दा, तुम जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज्दा। इंट्रोडक्शन बे। या दिस वन। मैं इश्कबाज हूँ, ताले की चाबी मेरे पास है। अब उसी ताले की चाबी से ताला खोल डालो
और हम जो पूछे उसे साफ साफ बोल डालो। हैंडल दिखाओ। ये हैंडल कभी देखा है? देखिए साहब, हमारी दुकान इस शहर की सबसे पुरानी दुकान है और ऐसे हैंडल वाला बैग यानी कि ब्रीफ केस इस इलाके तो क्या आसपास के इलाकों की 40 दुकानों में भी नहीं मिल सकता। Well, ऐसा क्या है इसमें खास इज्जत जो नहीं है किसी और के पास इज्जत? आप इतने पुराने चावल, मेरा मतलब पुलिस वाले हैं, फिर भी आपको पता नहीं कि 25 साल पहले सरकार ने ऐसे 250 ब्रीफकेस बनवाए थे आसपास के इलाके के पुलिस वालों में बांटने के लिए UMC कंपनी के बनाए हुए। और ऐसे ब्रीफकेस की एक खासियत थी कि इनके हैंडल पे A से Z की मार्किंग थी। वो क्यों? वो यूं साहब के आपका नाम क्या है? बजरंग पांडे। देखिए, अगर आपको ऐसा ब्रीफकेस दिया जाता तो उसके हैंडल पे लिखा होता B, जैसे इस हैंडल पे लिखा है G। मतलब ये जिसने भी किया है कोई पुलिस वाला है इसके पीछे और उसका नाम G से शुरू होता है। जरा अपनी याददाश्त को जरा या फ्रेश करो और याद करो कि 25 साल पहले ऐसा कौन हो सकता है जी से गोपी। वन मोमेंट प्लीज। श्योर श्योर। वाला जी ओ गरीबां दा ठेका गोस्वामी। गुड। वेल, उस इंस्पेक्टर का नाम था गोस्वामी इसदा, जो खुद को समझता था सुनामी इसदा। इसका मतलब है कि जी से गोस्वामी हो सकता है इस कांड के पीछे। वो कहाँ रहता है जानते हो? गोस्वामी तो लिखा है, लेकिन गोपी तूने सही गोस्वामी जी के पास लाया है सही किसी के पास भी? वेल सर, यही है उनका घर इज्जा, लड़कियां जाती हैं मेरी अदा पे मर इज्जा। 110 साल की आंटियां हैं जिसे तू लड़की कह रहा है बे। खुद हो रहा है बुढ़ा हो 110 साल का, तो निकली 110 इंच की बाहर। एक्सक्यूज मी सर, कोई मेरी उम्र या मेरी कमर के बारे में कमेंट करता तो आई फील सो बैडली फीलिंग, प्लीज नेक्स्ट टाइम सॉरी। सर, घंटी बजाऊं या अभी और लड़ेंगे? बे, ताना मत मार बे भुलक्कड़, बेल बजा, चल जल्दी। ओ बिल्लू। वेल, डोरबेल बजाओ, मत करो टाइम वेस्ट इज दा, मैं हूँ ब्रश, लपी है टूथपेस्ट इज दा। कौन है? ओ आप लोग यहाँ? बाइक मेरा जुनून था। हम सब लोग बेगुनाह हैं। वी आर इनोसेंट। बाइक मेरा जुनून है। टोनी या गोस्वामी के थे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.